पिछले 15 दिनों से दोस्तों हमारे गांव में भी ये बीमारी आई हुई है। बहुत बड़ी लौकी लगी है, एक कहां लकड़ी में फंस गया है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, इतना लंबा, ये देखो दोस्तों, ये लौकी एक ही नहीं यार, बहुत सारे लगे हैं। उधर देखो, उस साइड भी लगे हैं, नीचे भी लगे हैं। मैं गया था यार कटपुड़िया, कटपुड़िया से आ गया हूँ दोस्तों। एक साबुन की पेटी है मेरे कंधे में, पेटी भी ले गया, कुछ काम भी था यार दोस्तों कटपुड़िया, वो भी अपना काम। तो हन्योली से तेज़ी से बादल आ रहा है, ये देखो पूरे आसमान में काला बादल छाया हुआ। इसी साइड से दोस्तों बहुत ही तेज़ बारिश भी हो रही है। सभी दोस्तों को नमस्ते, पहला स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों यार ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, सुबह के बजे हैं 6 और रीमा और कमल चले गए दोस्तों आज दिल्ली, थोड़ा जल्दी उठा दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले उनको छोड़ के आया हूँ। ये देखो यार दोस्तों, डाल दिया यीशु ने पानी। देखो यार दोस्तों, गांव का कुछ ऐसा है नज़ारा सुबह का दोस्तों। यार चारों तरफ से पहाड़ी में लगा है आग, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर धूप भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि धूप गाँव में, आधी गाँव में धूप आ गई है। अभी हमारे घर के पास धूप आई नहीं है। आप कुछ गाड़ी बोर्ड में देखा है, गाड़ी बोर्ड में नहीं देखा पे दोस्तों। यार बुआ भी लग गई है अपने काम में आज दोस्तों। यार हम 4-5 दिनों के बाद इधर अपने इधर नीचे खेत में डाल रहे हैं बैगन और शिमला मिर्ची के पौधों में दोस्तों। पानी सूखने लग गई यार दोस्तों पानी की वजह से। ये देखो पानी की दिक्कत हो गई यार इधर, अब हमारे गांव में 4-5 दिनों के बाद पानी आ रहा है। जैसे ही गर्मी बढ़ी वैसे ही दिक्कत होने लग गई है दोस्तों। दोस्तों यार पूरे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में इस बार ऐसी बैलों की बीमारी आई है। देखो यार दोस्तों, ऐसी बीमारी जो है पहली बार आई है। बैल के पूरे शरीर में दोस्तों दाने हो गए हैं, ये देखो। 15 दिनों से दोस्तों हमारे गाँव में भी ये बीमारी आई हुई है दोस्तों। यार जितने भी हमारे गाँव में बैल हैं, 10 बैल हैं दोस्तों और 5-6 गाय हैं दोस्तों, उन सभी को हुई है बीमारी दोस्तों। ये घास भी नहीं खा रहे हैं यार दोस्तों, ये हमने 2 दिन से घर में ही बांध रखा है। देखो यार दोस्तों, पूरे शरीर में बैल के पूरे दाने के दाने हो गए दोस्तों, कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर ये दाने नहीं हुए हैं। देखो यार बैल रो भी रहा है और खाना पीना बैल ने छोड़ दिया दोस्तों, पानी पी रहा है। बहुत से नीचे हमारे जो गांव है खटगाड़ में दोस्तों, बहुत लोगों के बैल मर भी गए हैं। लेकिन यार दोस्तों इसमें इंजेक्शन भी लगा दिया, डॉक्टर को भी बुला दिया, दवाई भी कोई असर नहीं कर रही है दोस्तों। सुबह शाम बैल की दवाई भी चल रही है और 2 बार दोस्तों डॉक्टर भी आ गया है देखने के लिए, फिर भी यार कोई भी फर्क नहीं हुआ है। देखो और 2-3 बैल दोस्तों उनको भी हुआ था हमारे गाँव में ही, वो ठीक हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे बैल ठीक भी हो रहे हैं और ये बीमारी दोस्तों गायों को ज़्यादा असर कर रही है, जो गाय दूध देने वाली है उनको दोस्तों, उनके लिए ये खतरनाक ये बीमारी है यार दोस्तों। एक ही बैल है हमारा, एक बैल और था उसको दोस्तों, उसको भी हुई थी 15 दिन पहले भी ये बीमारी, लेकिन वो ठीक हो गया। अभी हो गई है हमारे वाले बैल को, ये भी दोस्तों ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बैल ये भी ठीक हो जाएगा। और मेरी बुआ सुबह से लगी हैं इधर पौधों में पानी डालने में, ये देखो यार दोस्तों, अभी अभी लौकी के पौधे में डाल रखा है बुआ ने पानी। और लौकी भी देखो दोस्तों, बहुत बड़ी लौकी लगी है, एक कहां लकड़ी में फंस गया है, अभी दिखाता हूं मैं आपको, इतना लंबा, ये देखो दोस्तों, ये लौकी एक ही नहीं यार, बहुत सारे लगे हैं। उधर देखो, उस साइड भी लगे हैं, नीचे भी लगे हैं, पहाड़ी लौकी। सब्ज़ी भी दोस्तों इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि मीठे आने वाली लौकी है। और सुंदर सा फूल का पौधा देखो दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है, कितने सुंदर इसमें फूल खिले हुए हैं, ये देखो, बहुत ही गजब का। यार इस फूल का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ये देखो। पूरे साल भर खिला रहता है ये यीशु और ये गोलू की है स्कूल की छुट्टी। और ये देखो, ये कर रही है सुबह सुबह मिट्टी में खेल। और तुझे अब मुँह कस करो तो मटर लग गए है के खाद मिल दो, मार तो नहीं खानी है, हाँ मार नहीं खाया हाँ, और तो हाथ धोए फिजे बहुत को धन का दिल मारे जो कौन सो बुआ जी से कौन। पानी डालने के बाद अब बुआ पाइप को सिमटने लग गई, अब इससे 3-4 दिनों के बाद फिर दोबारा डालेगी। ये देखो यार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ये कर रही थी मिट्टी में खेल,
और देखो अपना मोह को कैसे करके लेके आ गई है। इक्के लगाए हो है ओए मुख में की लगा दो पूरा मटर लग ले रहे तय मुंह दे। इधर धो रही है अंजलि की मम्मी कपड़े, देखो यार कपड़े धो दिए। अब ये धो रही है मेरे जूते, इसका मतलब ये मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से घर से भगाने के चक्कर में है। देखा जूते साफ कर दिए। चलो भाई अम्मी जनी भो हैं दिल्ली निकलो तो वो निशाने लागो है नहीं लागो लागो ले आता तो। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और मैं गया था यार कठपुड़िया, कठपुड़िया से आ गया हूँ। दोस्तों एक साबुन की पेटी है मेरे कंधे में, पेटी भी लेके कुछ काम भी था यार दोस्तों कठपुड़िया, वो भी अपना काम करके आ गया, पहुँच गया हूँ दोस्तों घर के पास। 3-4 दिनों से दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और आज हो रही है दोस्तों बारिश। ये देखो यार बारिश में भीगते भीगते आ रहा हूँ मैं और पहुँचने ही वाला हूँ दोस्तों घर। ये देखो यार दोस्तों मौसम एकदम बदल गया है, पूरे पहाड़ी में लग गया है कोहरा। शाम के 7 बज चुके हैं दोस्तों, बारिश अभी भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है 4 बजे से ये देखो। और ठंडा भी होने लग गया है यार दोस्तों, पूरे इस समय बारिश हो रही है। छत पे आया हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए। ये देखो यार दोस्तों ऊपर पूरी पहाड़ी में चारों तरफ से कोहरा लग गया है दोस्तों, यार ऐसा लग रहा है कि आज ये बारिश पूरी। देखो दोस्तों हन्योली से तेज़ी से बादल आ रहा है, ये देखो पूरे आसमान में काला बादल छाया हुआ। इसी साइड से दोस्तों बहुत ही तेज़ बारिश भी हो रही है यहाँ पर, और मैं थोड़ी देर के लिए छत पर आया था यार, भीग गया हूँ। देखो मूसलाधार बारिश लगातार दोस्तों। यार रीमा चली गई है और उसका आया है वीडियो कॉलिंग, बुआ कर रही है बात। अच्छा। और आज कठानी दोस्तों कमल के ससुराल ससुर जी की थी पूजा, और वहाँ से दोस्तों उन्होंने सकन के तौर पे ये हमें एक मुंडी भेजी है। और इसको अच्छा। देखो बुआ जी और राहुल ये लगे हैं यार, ये देखो भून रही है इसको, उसके बाद अभी थोड़ी देर में बुआ बनाएगी।